हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप दोस्तों। आप सभी के लिए बड़ी गुड न्यूज है क्योंकि आधार कार्ड में आ चुकी है नई वैकेंसी। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आधार कार्ड भर्ती 2022 के बारे में, जिसका नया ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाला है, काफी खास होने वाला है, क्योंकि आधार कार्ड में जो भर्ती निकाली गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से इस भर्ती को निकाला गया है। यहां पर आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होने वाली है, बिना एग्जाम के बिल्कुल सीधी भर्ती है। और ये जो वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया की जॉब है, यानी कि इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर 10वीं पास से लेकर के 12वीं पास और एनी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी आ चुकी है आधार कार्ड में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, कंप्लीट आपको जानकारी देंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस वैकेंसी के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। कंप्लीट जानकारी पाने के लिए गाइस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपसे शिकायत है आप वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि निकाली जा रही है आधार कार्ड की तरफ से नई भर्ती 2022 की। ऑफिशियल नोटिफिकेशन फ्रेंड्स यहां पर रिलीज कर दिया गया है और यहां पर आपकी सिलेक्शन प्रोसेस में कोई भी एग्जाम नहीं होगी, बिल्कुल सीधी भर्ती है। सैलरी आपको 56,100 रुपए पर मंथ मिलेगी और लास्ट डेट जो है 17 मई 2022 है अप्लाई करने की। सो फ्रेंड्स, 17 मई से पहले अप्लाई जरूर कीजिएगा। ऑल ओवर इंडिया की यह जॉब है, मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट्स के लिए, यानी कि इंडिया किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं तो आप सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बाकी सभी जानकारी हम बात करेंगे आधार कार्ड रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। जी हां दोस्तों, आधार कार्ड रिक्रूटमेंट 2022 आ चुकी है, जो कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI की तरफ से रिलीज की गई है। दोस्तों, यहां पर पोस्ट की बात करते हैं तो काफी सारी मल्टीपल जॉब्स यहां पर आ चुकी है। तो यहां पर आप देखते हैं रीजनल ऑफिसर की पोस्ट है, सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, डिप्टी डायरेक्टर की है, सीनियर अकाउंट ऑफिसर की है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट है, डाइंग डायरेक्टर की पोस्ट है, अकाउंटेंट की है, स्टेनोग्राफर की है, असिस्टेंट की है और अदर वैकेंसियां हैं, काफी सारी वैकेंसी है इनके अलावा भी, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, जिनके लिए आप चाहें तो ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ज्यादातर जो नोटिफिकेशन जारी होते हैं उनके साथ आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिए जाते हैं, यानी कि केवल आपको ऑफलाइन अप्लाई करना होता है, लेकिन एक प्रोसेस ऐसा भी है जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बारे में हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे कि आपको ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप जो है UIDAI.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कीजिएगा। ऑल ओवर इंडिया की ये जॉब है, मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट्स के लिए। सैलरी आपको एज पर रूल्स मिलने वाली है, जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया की रहेगी। वहीं फ्रेंड्स, एज लिमिट जो है कम से कम 18 साल है और मैक्सिमम जो है 56 साल है। तो अगर आपकी एज है 18 से 56 साल तो अप्लाई जरूर कीजिएगा। एप्लीकेशन फीस जो है किसी भी कैंडिडेट से कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है, चाहे वो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। वहीं फ्रेंड्स, यहां पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10वीं 12वीं आईटीआई डिप्लोमा डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट पास सभी कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है आधार कार्ड में, जिसकी जानकारी आप नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं। वहीं फ्रेंड्स, सिलेक्शन प्रोसेस में आपका इस पर रूल सिलेक्शन होगा, यानी कि आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होने वाली है सिलेक्शन प्रोसेस में, केवल आपको अप्लाई करना है। यहां पर जो है मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा और इंपॉर्टेंट डेट्स में आप देख सकते हैं ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं आवेदन और एज सून एज पॉसिबल है आप फ्रेंड्स सीधा आ जाएंगे आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसा कि आप देख सकते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये वैकेंसी है। यहां पर आपके सामने दो तीन ऑप्शन है, तो आपको सबसे पहले डिप्यूटेशन कॉन्ट्रैक्ट पर क्लिक करना है। यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आप सीधा नए पेज पर आ जाएंगे और यहां पर आप देख सकते हैं काफी सारी जॉब्स है। तो यहां पर सेक्रेटरियल वर्क्स की वैकेंसी है, फाइनेंस की है, जिसमें आप देख सकते हैं 17 मई 2022 इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। वहीं दोस्तों, और भी काफी सारी वैकेंसी है जिसमें आप देख सकते हैं अगर अभी तक लास्ट डेट नहीं गई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं बाकी अदर वैकेंसी के लिए भी, ठीक है। तो यहां पर और भी वैकेंसी है, 2 मई लास्ट डेट है, 6 मई लास्ट डेट है, 9 मई लास्ट डेट है, 17 मई लास्ट डेट है, 28 अप्रैल है और 9 जून तक की वैकेंसी भी यहां पर शो कर रखा है आरओ की वैकेंसी का, ठीक है। तो काफी सारी वैकेंसी है जिसके लिए आप यहां पर क्लिक कर दीजिएगा, आपके सामने पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। और यहां पर आपको करना क्या है, सिंपल स्क्रोल डाउन करना है, नीचे आना है और आपको मिलेगा साथ ही साथ ये एप्लीकेशन फॉर्म भी, ठीक है, जिसको आपको डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट करना है और यहां पर आपको पूरा एड्रेस मिलेगा पिन कोड के साथ में। आप देख सकते हैं यहां पर पूरा एड्रेस भी मेंशन कर रखा है नोटिफिकेशन में, तो यहां पर एड्रेस के साथ में यहां पर नोटिफिकेशन में पूरी जानकारी है और 17 मई 2022 इसकी लास्ट डेट है, तो आपको इसको फॉर्म को भर के जमा कराना होगा। और दोस्तों, यहां पर
कौन कौन सी पोस्ट है और यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, और यहाँ पर अगर आपको जॉब मिलती है तो आपको पोस्टिंग कहाँ पे मिलेगी वो भी मेंशन कर रखा है, और यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, यहाँ पर नॉलेज क्या चाहिए, स्किल्स क्या चाहिए, और अपर एज लिमिट क्या है 63 भी है, ठीक है। तो यहाँ पर जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है वो भी जानकारी यहाँ पर है। तो दोस्तों ये तो प्रोसेस हो गया कि आपको ऑफलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पर अप्लाई करते समय आपको ध्यान देना है जो भी आपसे जानकारी मांगी जा रही है वो बिल्कुल क्लियरली आपको देनी है, जो आपका नाम है, एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, क्वालिफिकेशन है, वही आपको देनी है जो आपके पास है, अदरवाइज आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो सारी जानकारी आपको अच्छे से देनी है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। वही दोस्तों है, और आपको सेकंड नंबर का ऑप्शन मिलेगा प्रोफेशनल और टेक्निकल का, यहां पर आप सिंपली क्लिक कर दीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। उसके बाद में आप देख सकते हैं काफी सारी जॉब्स यहां पर भी आ रखी है। तो यहां पर ये जो वैकेंसी है इनके लिए केवल आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं पर्टिकुलर तो यहां पर आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहां पर देख सकते हैं ड्रॉप सीवी का बटन है, यहां पर आप क्लिक कर दीजिएगा, आपके सामने एक ऑनलाइन फॉर्म आएगा जिसको आपको फिलअप करना है और सबमिट कर देना है। जी हां दोस्तों, यहां पर आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, लोकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, और आपका रिज्यूमे अपलोड करके आपको सबमिट करना है। बस इतना सा आपको सिंपली काम करना है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है चल जाएगा एचआर डिपार्टमेंट में, और आपको जल्द ही वहां से कॉल आएगी इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई करना होगा आधार कार्ड की वैकेंसी के लिए। दोस्तों आप किस सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आपके आसपास की सिटी की जो भी नई वैकेंसियां होती हैं उनकी अपडेट आपको सबसे पहले दी।